प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने शनिवार को एनेक्सी भवन के सभागार में पत्रकार वार्ता में कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है। अगले दो दिनों में 22,000 बेड के नए अस्पताल बनकर तैयार हो जाएंगे। अब तक प्रदेश में 78,000 बेड कोविड 19 L1 और L2 के तैयार हो चुके हैं। अब यह संख्या 1,00,000 बेड की हो जाएगी। प्रदेश में एक सप्ताह के अंदर प्रतिदिन 10,000 से अधिक जांचें भी होने लगेंगी। इसके लिए कोबास मशीन के आर्डर दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा कि 8 मार्च को प्रदेश में पहला केस मिला था। इसके बाद धीरे धीरे केस मिल रहे थे, लेकिन तबलीगी जमात ने मुश्किलें बढ़ा दी। इसके बाद से अचानक कोरोना के केस बढ़ने लगे। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने ज़रूरी कदम उठाए। इसी का नतीजा है कि देश के सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य में कोरोना काबू में है। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा कि हर जिले को शासन की ओर से ट्रूनेट मशीन दी जाएगी। इसके लिए संबंधित कंपनी को आर्डर भी दिया जा चुका है। ट्रूनेट मशीन आने से पॉजिटिव और निगेटिव का पता चल जाएगा, फिर कोरोना की इमरजेंसी जांच में आसानी होगी। इसके अलावा आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों को 50% की सब्सिडी पर PPE किट और अन्य जरूरत के सामान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश में शनिवार तक 7,766 केस कोरोना के मिल चुके हैं। इनमें 204 मौतें हुई हैं, जबकि 4,462 ठीक होकर घर जा चुके हैं। ठीक होने की दर अन्य प्रदेशों से बेहतर है। 2900 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में 1255 ट्रेनों सहित कोटा दिल्ली से बस से आए छात्रों प्रवासी मजदूरों की संख्या जोड़ दी जाए तो करीब 28,00,000 लोग अब तक आ चुके हैं। इनमें सबको क्वारंटीन करते हुए जरूरत के अनुसार लोगों की जांच भी कराई गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा, तीन महीने के समय के अंतर्गत सारे लॉकडाउन के बाद सारे हमारे सर्विसेज सब उसको बंद कर दिए गए थे। इधर तीन महीने कोरोना वायरस समाप्त माने कि इस तीन महीने की प्रक्रिया के बाद में और कई गतिविधियां खोलने के बाद, व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने के बाद और अन्य चीज़ें खोलने के बाद ये भी तय हुआ था कि हमारे जनपद के चिकित्सालय और प्राइवेट चिकित्सालय को भी खोला जाए इमरजेंसी सेवा को प्रारंभ करने के लिए। इसके लिए WHO और यूनिसेफ का एक जॉइंट प्रोटोकॉल बना था, जिसको इन्फेक्शन प्रिवेंटिव कंट्रोल का एक रूप देके उसका एक प्रशिक्षण तैयार किया गया, जो पिछले 10-15 दिन के अंदर हम लोग ने सभी ज़िले के सरकारी डॉक्टर्स को और प्राइवेट अस्पताल को जोड़ते हुए ये प्रशिक्षण उनको दे दिया कि किस तरह से आप मरीज देखेंगे और मरीज को देखने के बाद अपने आप को सुरक्षित रखते हुए उससे जुड़े हुए जितने भी लॉजिस्टिक होते हैं उसके PPE किट्स और N95 मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क, ये सब मिला के ये हमने प्रशिक्षण दे दिया। हमारे जनपदों में ACMO के माध्यम से नोडल टीम बना के उनका लगातार औचक निरीक्षण करना और ये देखना कि ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सा सेवाएं हमारे प्रारंभ हो जाए, इमरजेंसी सेवाएं शुरू हो जाए, OPD को छोड़ के बाकी जो रेगुलर हमारे जो काम होते हैं उनको प्रारंभ कर दिया जाए। इसी को लेके मैं कल से जनपदों में निकल रहा हूँ, जिला अस्पतालों पर जा रहा हूँ, रास्ते में कहीं CHC पड़ता है उसको भी चेक कर रहा हूँ और देखने में सब उसका चेक करते हुए सभी डॉक्टर्स को मैं समझा भी रहा हूँ कि अब आप पूरी तरह से अपने इन सेवाओं को प्रारंभ कर दें। इसी के लिए हम आए। देखिए, मैंने कोई मुख्यमंत्री को पत्र नहीं लिखा, पहले इस बात को समझ लीजिए। विभाग के अंदर अगर कोई आवश्यकता होती है उसमें लिखने पढ़ने की, तो किसी एक टेंडर की प्रक्रिया से संबंधित कुछ उसमें कमियां थी, जिसको मैंने प्रमुख सचिव को लिखा था, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को, कि इस विषय को लेके आप इसका अध्ययन कर लीजिए, जांच कर लीजिए और आवश्यकता अनुसार उसको सुधार कर लीजिए। और उसका खाली एक सूचनार्थ के लिए मैंने एक पत्र भेज दिया था मुख्यमंत्री के कार्यालय में।
इतना ही हमने किया और उसमें कोई न कोई घोटाला है न कुछ है, वो एक प्रक्रिया से संबंधित एक विषय था। मंत्री, क्या स्थिति है कोरोना प्रदेश में? देखिए, आज के दिन हमारे पास 7,566 ये पॉजिटिव केसेस अभी तक आए हैं। 7,566 पॉजिटिव केसेस आज तक हैं, इसमें से 4,462 हमारे केसेस उपचारित हो गए, डिस्चार्ज हो गए। तो एक्टिव केसेस जो हमारे पेशेंट जो अभी हैं पूरे प्रदेश में, वो 2900 मात्र हैं, 204 मृत्यु हुए हैं आज तक। तो ये बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब से ये कोरोना वायरस उत्तर प्रदेश में पहला केस 8 मार्च को हुआ था, जिसमें इटली से आए हुए लोग जो पर्यटक घूम के आए थे, वहीं से ये प्रारंभ हुआ था अपने प्रदेश के अंदर, और उससे लेके जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग थे या उसके बाद बहुत सारे इस तरह के ट्रैवलर आए थे, वो पहला चरण था हमारा जिसमें हम लोग ने उनको चेन तोड़ के और उनके जहाँ तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग था वहाँ तक उनको सीमित कर दिया था। दूसरे चरण में आप लोग जानते भी हैं कि तबलीगी जमात के भारी संख्या में लोग आए थे दिल्ली से, वो भी अब इस समय के अंदर हमने उनका भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनका जितना होना था उसको भी ख़त्म कर दिया है। तीसरे चरण में जो प्रवासी श्रमिक हमारे भारी संख्या में आ रहे हैं, ये थोड़ी सी चिंताजनक है, क्योंकि जिन प्रदेशों से आ रहे हैं वहाँ पर काफ़ी संक्रमण है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, दिल्ली में, इन खास करके इन तीन जगहों पर काफ़ी संक्रमण है। तो इसको मानते हुए और जो तीसरा चौथा लॉकडाउन के बाद जो प्रधानमंत्री जी ने तय किया सभी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ, प्रवासी श्रमिकों के लिए 1255 ट्रेन अभी तक आ चुके हैं, लगभग 24 लाख कुछ इसमें जो जिनका सूची हमारे पास आ चुका है उतने लोग अभी प्रदेश के अंदर आ चुके हैं। इस बीच में दिल्ली में जब आनंद विहार से लोग निकले थे इस प्रारंभिक समय में, कोटा के लोग को लेके, बच्चों को लेके, और बीच बीच में ट्रक में जो आए थे और मोटरसाइकिल से आए थे, ट्रक में आए थे, पैदल आए थे, तमाम साधन से आए थे, सब मिला के हमारा अंदाज़ा है कि 28 लाख कुछ हमारे पास उत्तर प्रदेश में आ गए, जिनकी व्यवस्था हम लोग ने स्क्रीनिंग के माध्यम से शेल्टर होम क्वारंटीन फैसिलिटी में वहाँ पर इनका व्यवस्था किया, वहाँ इनकी स्क्रीनिंग होती है और स्क्रीनिंग के बाद इनको होम क्वारंटीन हम भेज देते हैं, और किसी का अगर कोई संक्रमित या कोई लक्षण दिखाई देता है उनको हम 7 दिन के बाद उनका सैंपलिंग करते हैं, अगर नेगेटिव आता है तो उनको होम क्वारंटीन भेजते हैं, और किसी का भी अगर पॉजिटिव आता है तो उनको हम आइसोलेशन सेंटर में भेज देते हैं। आज के दिन हमारे पास इन सब को देखते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार 78,000 बेड हम लोग ने तैयार कर लिया पूरे प्रदेश में, L1 L2 फैसिलिटी लगे, जिसमें कभी भी हमारे पास अगर आवश्यकता हो, आज हमारे पास 2900 केस मात्र हैं एक्टिव केस जो हमारे अस्पतालों में हैं, मगर आगे कभी भी इस तरह की कोई स्थिति बनेगी तो 78,000 बेड्स हमारे पास L1 L2 फैसिलिटी में, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी है और वेंटिलेटर की भी उसमें व्यवस्था है, इन सब को हमने तैयार कर दिया, और इसी महीने के कल तक या परसों तक हम उसको 1 लाख बेड तक उसको तैयार करके पहले से ही तैयार रखेंगे कहीं कोई भी आवश्यकता पड़े। तो अगर हम उसको उस हिसाब से देखें तो 24 करोड़ की आबादी में और उत्तर प्रदेश में 28 लाख लोग अभी तक आ चुके हैं, फिर भी अभी हमारा नियंत्रण है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग का व्यवस्था किया है, तो आज हमारे पास 2900 एक्टिव केस हैं। हम टेस्टिंग लगभग 9000 प्लस टेस्टिंग प्रतिदिन कर रहे हैं, पूल टेस्टिंग जब हम उसको करते हैं 5 और 10 के पूल टेस्टिंग में, तो लगभग 10.5-11 हज़ार तक हमारा टोटल टेस्टिंग प्रतिदिन का हो रहा है, और रैंडम सैम्पलिंग भी हम लोग कर रहे हैं जहाँ जहाँ हमारे शेल्टर होम में, जहाँ जहाँ हमको समझ में आ रहा है, रैंडम सैम्पलिंग, पूल टेस्टिंग। हमारी निगरानी समिति है जिसमें आशा वर्कर लगभग 10 लाख के ऊपर के होम क्वारंटीन वाले को ट्रैक कर चुके हैं, और आरोग्य सेतु से भी हमको 38,000 कॉल आ चुके हैं, जिसमें से 8 या 9 हमको पॉजिटिव भी मिला है, कुछ लोग हॉस्पिटल में मिले हैं और कुछ लोग बिल्कुल ठीक मिले हैं। तो इस तरह से हम कई प्रकार से जो सूचना एकत्रित करते हैं, सैम्पलिंग से भी, आरोग्य सेतु से भी, होम क्वारंटीन से भी, इन सभी को लेके हम पूरा इस कोरोना वायरस को जितना भी हो सकता है उसकी व्यवस्था और उसको नियंत्रण करने में हम लोग अभी तक इस समय तक हैं। निजी चिकित्सालयों के लिए आप बताना किट दिया गया, क्या सर्जरी जो रुकी हुई थी सर्जरी शुरू हो गई? नहीं, एक तो किट हमने देखे, किट हम उनको देंगे जो हमारे आयुष्मान योजना से जुड़े हुए मेडिकल जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो हमारे आयुष्मान योजना से जुड़े हुए हैं,
उनको 50% सब्सिडी पर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है DIC वहाँ के जनरल मैनेजर उनसे बात करके वो सारा व्यवस्था उनको दे दिया गया, 50% सब्सिडी पर उनको मिल जाएगा। जो लोग उससे नहीं जुड़े हुए हैं वो अपना स्वयं खरीदेंगे। प्रशिक्षण उनको भी दे दिया गया है, जब भी वो कोई मरीज देखेंगे या माइनर ऑपरेशन करेंगे, मेजर OT करेंगे या कोई भी व्यवस्था करेंगे अपने सुविधा अनुसार, तो अपना PPE किट और वो सब पहन के ही करेंगे, ये उनको बता दिया गया और उनको अच्छी तरह पता भी है। और इस संबंध में हम लोग ने लगातार माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से, मेरे स्तर से, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों से भी हम लोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया है, उनके जो भी सुझाव है या उनकी समस्या उसका भी निदान किया है। ये हम लगातार हर हफ्ते में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, या तो मैं डायरेक्टली बात करता हूँ या मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात होती है।